ये है अंडर वाटर फिश टनल जो पहली बार रांची में खोला गया है। रांची वासियों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया गया है। इसको देखने के लिए आपको कितने पैसे देने होंगे और ये रांची में कहाँ खुला है, चलिए हम आगे आपको वीडियो में बताते हैं। तो अभी हम आए हुए हैं धुरवा के शहीद मैदान पे, जहाँ लगा है डिज्नीलैंड मेला। ऐसे तो डिज्नीलैंड मेला हर साल लगता है, पर इस साल कुछ आपको यहाँ अलग देखने को मिलेगा। इस बार आपको अंडर वाटर फिश टनल यहाँ देखने को मिलेगा। इसी को लेके इस बार ज्यादा भीड़ होने वाली है, क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्ट रांची में पहली बार आए हैं और टिकट के रेट यहाँ पे 20 रुपए है। 20 रुपए देकर आप इस मेले में एंट्री करेंगे। ऐसे तो डिज्नीलैंड मेला बच्चों के लिए बेस्ट होता है। अगर आप फैमिली वाले हैं तो बच्चों को ले जाके आप यहाँ पे घुमा सकते हैं। मेले में एंटर करने के बाद आपको फिश टनल देखने को मिलेगा। इसी तरह का मेला अभी रांची के मुराबादी में भी लगा गया है। आपको बता दें कि यहाँ का जो टाइमिंग है वो शाम 4 से रात 10 बजे तक है। आप जब भी आएंगे तो शाम 4 बजे के बाद ही आएंगे और ये मेला लगभग महीने भर रहता है। ऐसे इस मेले में आपको वही सब चीज देखने को मिलेंगे जो लगभग सब मेले में आपको मिल जाते हैं। तो अभी सामने देखिए यहाँ पे बनाया गया है फिश टनल एक्वेरियम। ये देखने के लिए आपको यहाँ टिकट लेने होंगे और जो टिकट के रेट है वो 100 रुपीज रखे गए हैं। तो चलिए हमने 2 टिकट ले लिया और देखते हैं कि 100 रुपीज में यहाँ क्या देखने को मिलता है। क्या आपका 100 रुपीज इसके पीछे लगाना ये वर्थ होगा कि नहीं, ये हम आपको अंदर ले जाके ही बताएंगे। तो बाहर से देखने से तो ये टनल काफी अच्छा लग रहा है, अब अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ क्या कुछ देखने को मिलेगा। देखिए फिलहाल तो जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ आपको छोटे छोटे एक्वेरियम देखने को मिलेंगे, पर अंदर जब आप जाएंगे तो अंदर आपको फिश टनल देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको एक नजर ये छोटे छोटे आपको एक्वेरियम दिखाते हैं, फिर आपको वो टनल दिखाते हैं। तो अंदर आने के बाद आपको फिश टनल दिख जाएगा। फिश टनल काफी लंबा है और यहाँ बहुत सारे मछलियां रखे गए हैं। काफी लोग ये फिश टनल देखने के लिए ही इस मेले में आ रहे हैं और सेल्फी वगैरह भी ले रहे हैं। तो आपको हम दिखाते हैं कि कौन कौन सी मछलियां यहाँ रखी गई है। बेसिकली हम लोग भी ये फिश टनल देखने ही यहाँ आए हैं। यहाँ फिश तो काफी रखी गई है, पर यहाँ का अगर आप पानी का क्वालिटी देखेंगे तो थोड़ा गंदा मुझे देखने को लगा। अगर वाटर यहाँ का और भी ज्यादा क्लियर रहता तो आपको और भी अच्छी तरीके से मछली देखने को मिलती। खैर फर्स्ट टाइम है रांची का ये मेला, तो कम से कम ये कॉन्सेप्ट लेके आया है, तो रांची वासी एक बार विजिट कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो में बताइए कि क्या 100 रुपए इसको देखने के लिए देना आपको ये सही लगता है कि नहीं। ये टनल से जब आप बाहर आएंगे तो यहाँ कुछ कुछ आपको बड़ी बड़ी मूर्तियां देखने को मिलेगी, लाइक बड़े हाथी यहाँ पे रखे गए हैं। इसके अलावा कुछ कुछ स्टैचू यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो 100 रुपए के टिकट में आपको इस टनल में आप ये सब देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ से जब आप बाहर आएंगे तो बाहर आपको झूले वगैरह दिखाई देंगे, तो बच्चों के लिए बाहर में बहुत सारे चीजें हैं एंजॉय करने के लिए, तो आप एक बार विजिट कर सकते हैं यह मेला। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इसी तरह की रांची से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे रांची क्यूज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।